दोस्तों आज की इस क्लास में आपको हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले गुरुग्राम शहर का जो नाम है वो पहले गुड़गांव द्रोणाचार्य नगरी के नाम से जाना जाता था। सेकेंड नंबर है जगाधरी, ये दोस्तों युगधर के नाम से जाना जाता था, पहले प्राचीन नाम इसका, अब इसको जगाधरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है दोस्तों फतेहाबाद, फतेहाबाद को इक्केदार के नाम से जाना जाता था पहले प्राचीन समय में, अब इसका नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया गया है। फोर्थ है दोस्तों हिसार, हिसार को इकाई सूर के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, अब इसका नाम हिसार रख दिया है। पांचवा है दोस्तों आसी, इसको आसी के नाम से जाना जाता था, आसी तो इसको प्राचीन नाम में आसी के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसको आसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अग्रोहा, जो कि इसार से आगे चलकर ही अग्रोहा है, इसको अग्रोद्या के नाम से जाना जाता था, अब इसको अग्रोहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेवंथ जींद, जींद को पहले सत्यापुरी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में लेकिन अब इसको जींद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी हर भर्ती में पूछे जाते हैं, इसमें से कम भी दो तीन क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में को ध्यान से देखना और आपका ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों सफीदो, सफीदो को संपंदन के नाम से जाना जाता था पहले प्राचीन समय में। सोनीपत, नेक्स्ट है सोनीपत, इसको सोमप्रथ के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। पानीपत का जो प्राचीन नाम था वो पानप्रिस्थ के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र को शरणवंत के नाम से जाना जाता था और इसको क्रूजनपत के नाम से भी जाना जाता था, इसके दो नाम थे दोस्तों। सिरसा अगला है दोस्तों सिरसा, सिरसा को सोक्रियम के नाम से जाना जाता था और सरस्वती नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रानिया, रानिया को राजपुर के नाम से जाना जाता है और एलनाबाद को गड़ियागल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों केथल, केथल को कपी स्थल के नाम से जाना जाता है, जाना जाता था पहले प्राचीन समय में लेकिन अब इसको केथल नाम से जाना जाता है। थानेसर का जो पुराना नाम था प्राचीन समय में वो स्थायणी सुरण नाम से जाना जाता था। महेंद्रगढ़ को कानोड के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। दोस्तों नेक्स्ट है रेवाड़ी, रेवाड़ी को रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों पलवल, पलवल को एपलवाह के नाम से जाना जाता था। महम का प्राचीन नाम महेश्य था। कालका का प्राचीन नाम कालकूट। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम सरफाबाद। झज्जर का प्राचीन नाम हमजूनगर। नेक्स्ट है दोस्तों रोहतक का जो प्राचीन नाम था वो रोहतास नगर के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। बल्लभगढ़ को बल्लमारागढ़ के नाम से जाना था, रामगढ़ के नाम बलरामागढ़ के नाम से जाना जाता बल रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों दादरी, दादरी को डालमिया नगर के नाम से जाना जाता था। भिवानी को भाणी ग्राम के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसको भिवानी नाम से जाना जाता है, भिवानी को प्राचीन नाम भाणी ग्राम था। नौरंगाबाद का जो प्राचीन नाम था वो प्रकटन नाक इसका प्राचीन नाम था। अम्बाला का अम्बाली का प्राचीन नाम था। पिंजौर का पंजपुरम और विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। पिहोवा को, पिहोवा जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है, इसको प्रथ के नाम से जाना जाता था, सॉरी ये पिहोवा अलग है, इसको कुरुक्षेत्र के पास जो भी बाहू उसको जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों लोहारू, लोहारू को लोहापुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं।